घरवाली का मंगलसूत्र गिरवी रख करके और 13,000 में बैटरी वैटरी खरीदा था और फिर चालू कर दिया। ठेली था अपने पास, उसके बाद खुद भी पीता हूँ और लोगों को भी पिलाता हूँ। मेरा नाम नरसिंह राय है। ये अमृत का एक घूंट है, समझिए, अमृत का एक घूंट, ये घूंट है। हाँ, जैसे मैं जिंदा हुआ हूँ, मेरे को हार्ट खराब, किडनी खराब, लीवर खराब, उस समय पैसे हो नहीं होता था, गार्ड का नौकरी करता था मैं, 13,000 का। तो मुझे बताइए भैया, पहले सबसे पहले ये क्या है? ये एक्जिमा रोग को ठीक करता है और शीशम का पत्ता है ये, और खून की कमी को दूर करता है। ये क्या ये पिलखन का पत्ता है, ये शुगर में काम आता है। अच्छा, शुगर में काम आता है, तो मतलब जिसको भी शुगर है वो इसका सेवन करेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। और ये किस चीज के पत्ते? ये तो मैंने भैया आज तक नहीं देखे। रात रानी का पौधा है ये, बुखार हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इसमें काम आता है, इसमें काम आता है। तो सारे पत्ते आपने बहुत अच्छे से धो के रखे जी। ये मैं शायद पहचान पा रही हूँ कि नीम का पत्ता है। वाह, नीम का पत्ता है ये तो भैया, स्वाद में बहुत ज्यादा कड़वा होता है। हाँ, बहुत कड़वा होता है, लेकिन बीमारी भी बहुत दूर करता है वो, बीमारी को दूर से भगा देता है। हाँ, दूर से भगा देता है वो तो। नीम सबका हकीम है वो, समझिए कि। अरे वाह। सो ये किस चीज का पत्ता है? ये अमरूद का लग, अमरूद का पत्ता है। देखिए भैया, हम भी थोड़ा ज्ञान रखते हैं। तो ये है अमरूद का पत्ता। वाह, ये जो है ना, अंदरूनी ताकत को रोकता है। और ये पीपल का पत्ता, हार्ट का ब्लॉकेज को खोलता है ये, बिल्कुल 100%। तो ये जो हार्ट की बीमारियां है वो ठीक होगा इससे, नर्म उनको दूर भगा देगा। जी। और ये किस चीज? पुनर्नवा बोलते हैं इसको, पुनर्नवा, ये इसका नाम ही है, पुनर्नवा, दोबारा नया कर देगा आदमी को। ये बहुत ही बड़े साइज के पत्ते, ये बरगद का पत्ते है। हाँ, इनसे क्या होता है? ये भी मर्दानी ताकत को बढ़ाता है। जामुन का पत्ता भी है यहाँ पे। तो मुझे बताइए कि सब्जियों में और क्या क्या डालते हैं आप? सब्जी में घिया हो गया, करेला हो गया। और ये क्या भैया? कच्ची हल्दी, अम्बा हल्दी जिसको बोलते हैं। अम्बा हल्दी क्या होता है? इससे तो एंटीबायोटिक वो है, समझिए कि सारा दर्द दूर होगा। और ये क्या है? चुकंदर है, चुकंदर से खून बढ़ता है। और कोई फायदा चुकंदर का? बहुत फायदा है उसका तो, और शरीर को लाल कर देगा बिल्कुल। और ये तो सभी लोग जानते होंगे, आजकल हर क्रीम में, हर चीज में, दवा में, सब में लग रहा है। सो ये है एलोवेरा। जी। तो एलोवेरा क्या काम करता है? एलोवेरा तो पेट को सफाई करता है बिल्कुल, पेट में कब्ज को दूर करता है और स्किन को भी साफ करता है। और भी बहुत फायदे हैं। इन डब्बों में क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है आपका अर्जुन का छाल, इसको भिगो के क्यों रखते हैं? पानी इसका काम करता है ना ज्यादा। चिरेता जो खून की सफाई करता है। दालचीनी। सो मुझे इस वाले में बताइए कि इस वाले में क्या है? इस वाले में है वो विजय सार की लकड़ी, जो हार्ट के लिए काम आता है। विजय सार की लकड़ी, ये हार्ट के लिए काम आता है। तो घिया काटा जा रहा है। वाह, तो छिलके नहीं निकालेंगे क्योंकि छिलकों में अपना गुण है। हाँ, अपना गुण है, सही बात है। सारी सब्जियां अच्छे से धो के रखी हुई है पहले। धोएंगे हम, ये धोने के लिए काटे। तो ये डल रहा है इसमें आंवला। आंवला, और ये है कच्चा हल्दी, अम्बा हल्दी जिसको बोलते हैं। ये है चुकंदर, यह है चुकंदर, चुकंदर छील लेते हैं। चुकंदर भी डल रहा है। अरे वाह। तो क्या सोचा था आपने जब आप अपनी बीमारियों के लिए पैसे नहीं, मतलब आपके जूस के पैसे नहीं, तो आपने क्या सोचा कि मतलब मैं अपने के साथ साथ सबकी बीमारियां दूर? हाँ, यही सोचा था कि हमारा बीमारी तो ठीक हो गया और लोग, गरीब लोग कैसे पी पाएंगे। तो चलिए, गरीब लोगों के लिए मैं आधा दाम में बेचूंगा। पैसे कम कमाता हूँ लेकिन सेवा ज्यादा होती है मेरी यहाँ पे, संतुष्टि भी मिलती है। हाँ, क्यों नहीं, सेवा से बहुत संतुष्टि मिलती है। ये एलोवेरा। तो अपना टाइम भी बताइए। हमारा टाइम सुबह 5 बजे से 11 बजे तक। 11 बजे तक है। तो इतने टाइम में कितने गिलास बिक जाते होंगे? क्या भीड़ रहती है यहाँ पे? ये क्या डल रहा है? 70 गिलास बिक जाता है, 70-80 गिलास। ये गिलोय है, गिलोय, गिलोय है। जो गिलोय का क्या फायदा होता है? इसका तो 1,000 फायदे हैं। 1,000 बता नहीं पाओगे आप वीडियो में। अमृत, अमृत लता इसको बोलते हैं वेद में। हाँ, तो अब क्या डाल रहा है? ये अमरूद का पत्ता डाल दे रहा हूँ, ये नीम का पत्ता डाल दे रहा हूँ, ये रात रानी का भी डाल दे रहा हूँ पत्ता, ये तिलखन का भी पत्ता डाल दे रहा हूँ, ये पीपल का भी डाल दे रहा हूँ, जो आपको सब चीज से दूर रखेगा बीमारी से। तो हिसाब आपको कैसे बताएं कि क्या कितना डालना है? 20 ग्राम का अंदाजा लेकर डालता हूँ, 10 से 20 ग्राम बस। हाँ, तो इसको बहुत ही अच्छे से धोया जा रहा है। तो अब इसको पीस रहे हैं, तो ये जड़ी बूटी वाला पानी में पीसेंगे इसको। अब क्या डाल रहा है? इसमें विजय सार की लकड़ी की पानी पड़ रहा है। दालचीनी का पानी। ये हो गया चिरेते का पानी। भैया आपकी मतलब कहानी सुन के ना मजा आ गया। हो गया अर्जुन का छाल, सारे बीमारियों का काल। अर्जुन का छाल, सारी बीमारियों का काल। इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे जो आपने ये मुहावरे बनाए हैं, ये आपके खुद के हैं। मजा आ गया, माया जा रहा है। हाँ, ध्यान रखा जाता है, सही बात है, ये तो बात है। मैं क्योंकि हम खुद पीते हैं ना, और लोगों को ऐसा थोड़ी है कि ग्राहक समझते हैं, भगवान समझते हैं हम सबको। हाँ।
ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन सकल जी हमारे वेद में लिखा गया है। ये जो गुलाबी रंग है ये चमंदर की वजह से। हाँ हाँ, इस गिलास का रेट 40 रुपया है, लेकिन मैं आधा में देता हूँ 20 रुपये में। हाँ, आप सारी चीजों को 50% छूट में देते हैं। छूट में ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमको हमारे वेद में लिखा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सकल सहज सुखराज, हर जीव में ईश्वर का अंश होता है। हाँ, तो मैं ईश्वर समझ कर देता हूँ। हाँ, कि हम अपने भगवान को सेवा करता हूँ। हाँ, तो पूजा पूजा ही नहीं होती है, हर जगह पूजा होती है, हर जगह भगवान होते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि मंदिर में ही है, आप में भी तो हैं। तो सब में है, कड़कड़ में है, तो वो नजरिया बनाकर करते हैं। तो गाइस, ये मेरा ना जड़ी बूटी वाला जूस बनके एकदम रेडी हो गया है, बहुत ज्यादा मजेदार हो गया है। ऐसे टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। कड़वा है लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। मुझे एक बार बताइए, अगर किसी को आपका ये टेस्टी वाला और जड़ी बूटियों वाला जूस पीना है तो आप तक कैसे पहुँच सकता है? एड्रेस बताइए अपना। नवयुग मार्केट, पंजाब नेशनल बैंक, पुराना बस अड्डा। तो मुझे ना इसके साथ ये आंवला मिला है। आंवला कि इसको आंवला नमक के साथ खाएंगे। आंवला दोनों में बहुत मजे से खा लेती हूँ। आंवला मुझे बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता। ये थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन उसके फायदे सुनने के बाद मेरा मन है कि मैं पूरा ग्लास एक सांस में पी जाऊँ। चलो जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके ट्राई करके। सबसे बढ़िया मुझे लगा सर से मिलके। सो मैं यहाँ पे जूस एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट।